दर्द ही आगाज है, दर्द ही अंजाम है, दर्द जो बयां करे शायरी वो नाम है। खुशियां तो सभी बांट लेते हैं दोस्तों, गमों को समेटना ही शायरी का काम है। आप सबों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, शेर व शायरी एक ऐसी चीज़ होती है जिसके माध्यम से हम एक दूसरे से अपने दिल की बात को रख सकते हैं। अगर किसी से कुछ कहना हो, अगर हम डायरेक्टली नहीं कह पाते हैं, तो शेर एक ऐसा माध्यम होता है जिसके ज़रिए हम अपनी बात औरों तक पहुंचा सकते हैं। इसके कई प्रकार हो सकते हैं, कई रूप हो सकते हैं। आपको किसी से बेइंतहा मोहब्बत हो, आप किसी को बहुत ज़्यादा मानते हों, आपकी दोस्ती किसी से बहुत गहरी हो, आप किसी टीचर के लिए कुछ कहना चाहते हों, आप किसी को बर्थडे विश करना चाहते हों, आप न्यू ईयर पर शायरी बोलना चाहते हों, आप गणतंत्र दिवस पर शायरी कहना चाहते हो अपने कॉलेज में, तो बहुत सारे ऐसे मौके लगते हैं जब हमें ज़रूरत होती है शेर व शायरी की। तो फ्रेंड्स, मैं चंदन राय आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, और आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आप चाहते हैं खूबसूरत शायरियाँ अलग अलग ओकेज़न पे, अलग अलग अवसर पे आप बेहतरीन शायरी चाहते हो, तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको अच्छे अच्छे वीडियोज़ मिलेंगे, अलग अलग अवसर पर आपको वीडियोज़ मिलेंगे, और इन शायरी को आप कहीं पर पब्लिक में किसी फंक्शन में आप बोल करके अपनी वाहवाही लूट सकते हैं। तो जिस शेर के साथ मैंने शुरुआत करी थी, एक बार फिर उसी शेर को दोहराता हूँ कि लोग पूछते हैं ना, जब बात शायरी की होती है तो लोग पूछते हैं कि शायरी है क्या, व्हाट इज़ शायरी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि दर्द ही आगाज़ है, दर्द ही अंजाम है, दर्द ही आगाज़ है, दर्द ही अंजाम है, दर्द जो बयां करे शायरी वो नाम है। खुशियाँ तो सभी बांट लेते हैं दोस्तों, खुशियाँ तो सभी बांट लेते हैं दोस्तों, गमों को समेटना ही शायरी का काम है। एक और खूबसूरत से शेर आप सभी के नज़र करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि इस शेर आपको बहुत पसंद आएगा। कि और देखिए, शेर एक ऐसा जरिया होता है ना, कि जब हम एक शेर व शायरी कहते हैं तो लगता है कि ये पार्टिकुलर जो पर्सन बोल रहा है ये मेरे लिए बोल रहा है। जैसे इस वीडियो को जितने लोग आप देख रहे हो, जो मैं नेक्स्ट आपको सुनाने वाला हूँ, तो आपको लगेगा ना कि ये सर तो मेरे लिए बोल रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा इस शायरी को, और आपको उम्मीद करता हूँ पसंद आएगी। अगर पसंद आएगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शेर कुछ इस प्रकार है दोस्तों कि इश्क और मोहब्बत करता कौन है, ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल आपके लिए है। कि इश्क और मोहब्बत करता कौन है, इश्क हो जाए तो फिर डरता कौन है। इश्क और मोहब्बत करता कौन है, इश्क हो जाए तो डरता कौन है। हम तो वो हैं जो इश्क में अपनी जान भी दे दें, हम तो वो हैं जो इश्क में अपनी जान भी दे दें, मगर मालूम तो चले हमें प्यार करता कौन है। तो जी हाँ दोस्तों, लेकिन मुझे मालूम है कि आप सभी लोग मुझे और मेरे इस YouTube चैनल को, जो कि मेरा ना होकर के सिर्फ आपका ही YouTube चैनल है, आप इसको बहुत प्यार करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। कि इश्क और मोहब्बत करता कौन है, मोहब्बत हो जाए तो डरता कौन है, हम तो वो हैं जो इश्क में अपनी जान भी दे दें, मगर मालूम तो चले हमें प्यार करता कौन है। फ्रेंड्स, शेर व शायरी का जो एक जरिया होता है कि इस पे लिखने वाले ने इतनी खूबसूरत लाइंस लिखी होती हैं, क्योंकि हमें कहने की कोई ज़रूरत नहीं, जब हम उस लाइंस को सुनते हैं तो यूँ लगता है कि ये लाइन हूबहू बिल्कुल आपके लिए मेरे लिए लिखी गई है। क्योंकि ये जो कनेक्शन होता है, जब शायरी को सुनने के बाद जो एक कनेक्शन, एक लगाव, एक जुड़ाव होता है, यूँ लगता है कि कहीं ना कहीं ये बातें सिर्फ़ और सिर्फ मेरे लिए लिखी गई हैं। तो बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, और कमेंट करके बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको और भी वीडियोज़ इस प्रकार के मिलें, तो आप ज़रूर बताइएगा। अब बने रहिए हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।